दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th तो खानाबदोश लगातार शहर के अलग अलग इलाकों से मिल रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ रही है, मेडिकल की टीम को सौंपा जा रहा है खानाबदोश को। लेकिन कई सवाल शहरवासी अब उठा रहे हैं, शहर के जागरूक जनप्रतिनिधि भी अब सवाल प्रशासनिक अमले से उठाने लगे हैं कि आखिरकार ये लापरवाही कहां पर हुई। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं अजमेर से बीजेपी के नेता अनीश मोयल। अनीश जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो खानाबदोश लोग लगातार मिल रहे हैं, इन लोगों को लेकर आप कितनी बड़ी प्रशासनिक चूक मानते हैं? ये सुशील जी, मैं बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है, क्योंकि जब इन सबको इकट्ठा करके, मैंने मेरी आंखों से वो मंजर देखा है जब वो क्लॉक टावर थाना के SHO और सिविल लाइन्स के SHO आपस के अंदर ये डिसीजन नहीं लेना ले पा रहे थे कि ये सारे भिखारी जब कचहरी रोड पे एक साथ 300, 400, 500 की संख्या में थे, तो ये पूरा कचहरी रोड पे ड्रामा टाइप चल रहा था और उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो जब इसकी मतलब इससे ये बहुत साफ प्रतीत होता है कि इन जितने भी खानाबदोश हैं इनको लेके सरकार का कोई भी एक दृष्टिकोण है वो सही नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं बनी हुई है, पहली बात। दूसरी चीज, जब हमारे पास इतनी बड़ी कायर विश्राम स्थली है जिसमें हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, ये एक तरह से कायर विश्राम स्थली से अगर इनको शिफ्ट कर दिया जाता है तो ये शहर के बीचम बीच में होके शहर के दूर होते, वहां पे चार दीवारी है, हर तरीके की सुविधाएं हैं, नहाने की सुविधा है, धोने की सुविधा है, पानी पीने की, खाना बनाने की, हर तरीके की सुविधा कायर विश्राम स्थली से उपलब्ध है। तो और वो इतनी बड़ी जगह है जहाँ पे हजारों की संख्या में ये एक ही जगह रह सकते हैं, प्रशासन को भी इधर उधर नहीं घूमना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कायर विश्राम स्थली से शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये शहर के बाहर भी रह जाएंगे, शहरवासी भी इनसे सेफ हो जाएगा, प्रशासन को भी एक ही जगह हो जाएगी। तो लेकिन आज तक आप ये देखिए कि आप शुरू हो जाइए केसरबाग चौकी, जो अपने माता जी के मंदिर भजनगढ़ चौराहे से लेके आप सीट जो बावी सर्कल तक, इतने खानाबदोश जने आज भी बैठे हैं जो मैंने मेरी आंखों से कली देखे हैं। दूसरी चीज, अभी मैं सिविल लाइन रोड से भी आ रहा था तो वहां पर भी आप देखिए महात्मा ज्योतिराव फुले चौराहे हैं, वहां पर भी बहुत संख्या के अंदर ये लोग बैठे हैं, जहां जहां और इवन कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे मस्जिद के पास वहां पर भी बहुत सारी संख्या में बैठे हैं, नगर निगम का जो अग्निशमन केंद्र है वहां पर भी बहुत सारी संख्या में बैठे हैं। तो ये अभी भी बैठे हैं, अभी भी पूरे शहर में ये घूम रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, किसी की कोई हिस्ट्री नहीं है, ये कहाँ जा रहे हैं, कौन है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं। और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो भामाशाह है, जो जनप्रतिनिधि है, ये जो पुलिस कर्मी है या जो नर्सिंग कर्मी है, ये लोग जो है जो इन लोगों की सेवा में लगे हैं, उनको कितना बड़ा मतलब रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क है इसके अंदर। देखिए, तो इनके अंदर प्रशासन को बहुत जल्दी ही कोई योजना बना के और इस पर तुरंत समाधान लेके इनको एक टाइम फ्रेम बनाना चाहिए कि अगले 24 या 48 घंटे में इस अजमेर को, मैं आपके माध्यम से सुशील जी, MTTV के माध्यम से मैं आप ये मांग करता हूँ कि अगले 24 घंटे के अंदर अजमेर में एक भी खानाबदोश सड़क पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अजमेर में एक भी खानाबदोश सड़क पर नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल लोग प्रशासनिक अमले से कर रहे हैं कि खानाबदोश लोगों को और से मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, क्योंकि डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी है, कलेक्टर अभी इस पूरे मसले के ऊपर जानकारी भी देंगे, लेकिन एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि खानाबदोश लोगों को शहर के बीचों बीच होम शेल्टर किया गया, ये कितनी बड़ी लापरवाही आप मानते हैं? आखिरकार क्यों इन लोगों को बात किया गया? ये मैं आपको पहले भी मैंने जिस तरह से कहा था कि प्रशासन की इनको लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अगर मैंने आपको बोला कोई स्पष्ट नीति नहीं है, और स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से जब आदमी स्पष्ट नहीं होता है तो वो गलत फैसले लेता है, और प्रशासन इस वजह से गलत फैसले ले रहा है। क्या अब यही कारण है कि गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं? अब इस मसले पे डायरेक्ट सरकार को दखल देना चाहिएगा, क्योंकि प्रशासनिक अमला तो चूक कर चुका है, ये बहुत बड़ी, लेकिन किसी शहरवासी को अब दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो क्या आप लगता है आपको उम्मीद है ऐसी कि सरकार को अब डायरेक्ट दखल देना चाहिए इसमें? बिल्कुल, मतलब मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को दखल देना चाहिए, और आज हम लोग हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी है उनसे भी हम लोग की मांग उठाएंगे कि इस बारे में वो भी सरकार से आग्रह करेंगे, और मैं ये बोलता हूँ कि डायरेक्ट जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, और फटाफट इसके ऊपर डिसीजन लेके इसको 24 घंटे के टाइम फ्रेम रख के इसको 24 घंटे में इस शहर को खानाबदोश से मुक्त कर देना चाहिए।
चलिए। और मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अजमेर के जनप्रतिनिधि और जितने भी भामाशाह हैं, मैं उन सबके उस पर कहना चाहूंगा कि जो भी प्रशासन को हमसे सहयोग होगा, हम आगे बढ़ के कोई भी प्रशासन को सहयोग होगा तो हम उस पर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एमपीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।